Good afternoon. I am Dr. B.M. Rafiq Farooqi. Welcome to our show, The Great Talk. Today, we are going to have conversation with the CEO of Sri Swaminarayan Mandir, Vartal Dham. I am delighted to invite our guest, Sri Dr. Sant Swamiji, in our program. Swamiji, हम आपका दिल से वेलकम करना चाहते हैं कि आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में पार्ट लिया। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सोशल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमें बताइए अपने बारे में और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जय श्री स्वामीनारायण। मुझे आप सबके माध्यम से भगवान स्वामीनारायण द्वारा संस्थापित श्री स्वामीनारायण मंदिर के बारे में बात करते हुए खुशी हो रही है। मैं डॉक्टर संतोलभ दास स्वामी इस मंदिर का चीफ एग्जीक्यूटिव कोठारी हूँ। भगवान स्वामीनारायण ने करीबन 200 साल पहले इस मंदिर का शिलान्यास स्वयं किया था। शिलान्यास के बाद इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा होती वो भी स्वयं की थी। आदिकाल से आज तक जितने भी मंदिर है, जहां जहां प्रतिष्ठा हुई है, वो अधिकतर नहीं, सभी मंदिरों की प्रतिष्ठा ये ब्रह्मदेव भूदेव द्वारा हुई है। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जो भगवान स्वामीनारायण ने स्वयं प्रतिष्ठित किया है और स्वयं अपनी प्रतिष्ठा हरिकृष्ण महाराज के स्वरूप में की। भगवान स्वामीनारायण छपिया यूपी सरजू प्रारण ब्राह्मण थे। वो यूपी छोड़कर के द्वारका की यात्रा करते 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 पहुँचते लौजपुर में मुक्तानंद स्वामी से मिले। मुक्तानंद स्वामी के गुरु रामानंद स्वामी से मिलने की चाहत में वहाँ रुक गए। रुके पिपलाना में दीक्षा स्वीकार किया और 49 साल की उम्र में उन्होंने इस धरती को छोड़ दिया। धरती को छोड़ते वक्त उन्होंने संकल्प किया क्या किया जाए कि जो सर्वजीविता वह आत्यंतिक कल्याण की प्रवृत्ति है वो कंटिन्यू रहे। उनके लिए उस कार्य को सिद्ध करने के लिए 3 संकल्प किए: मंदिर बनाना, शास्त्रों की रचना करना और आचार्य की स्थापना करना। वो तीनों काम उन्होंने वड़ताल में किया। मंदिर बनाया, शिक्षा पत्री जो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ आवर संप्रदाय, स्वामीनारायण संप्रदाय का बंधारण मौलिक शिक्षा पत्री में है और वो शिक्षा पत्री भगवान स्वामीनारायण ने वर्ताल इसी मंदिर में बैठ करके मंदिर के पीछे हरि मंडप में वहां बैठ करके लिखी जी। और गादी स्थापन यानी कि अपना उत्तराधिकारी की स्थापना वर्ताल और अहमदाबाद दो गद्दी की स्थापना भगवान स्वामीनारायण ने वर्ताल में की। करीबन 195-96 साल होने जा रहा है, 200 साल का महोत्सव महामहोत्सव आ रहा है जी। ये जो परंपरा रही है ना, उस सेवा की परंपरा है। हम इसको आध्यात्मिक तौर पर पे देखते हैं तो यहाँ बहुत बड़े बड़े समर्थ महात्मा फकीर लोग हुए। हम इसको सोशल रूप में देखते हैं तो आज स्वामीनारायण संप्रदाय में करीबन 150 से ज्यादा एजुकेशनल कैंपस है, जो KG से लेकर के कॉलेज तक, फिजियोथेरेपी कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, कॉलेज तक का शिक्षण प्रदान करते हैं। इसको हम यदि रूरल डेवलपमेंट के तहत देखें तो आज स्वामीनारायण संप्रदाय के संत धर्मपुर कपराड़ा बलसाड़ वापी से आगे अंदर आज भी शाम होने के बाद एयर कंडीशन गाड़ी में जाते जाते पसीना निकल आ गया, ऐसा बिल्कुल देहात वाला वहां जाकर के स्वामीनारायण संप्रदाय के संत काम कर रहे हैं। वहां जाकर के उनको एजुकेशन दे रहे हैं, वहां जाकर के उनकी जो व्यसन है उससे उनको मुक्त करके सामान्य प्रवाह में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी मौलिकता ये है कि स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षा पत्र में ये बात लिखी, सर्व जीव हिता, मेरे जो आश्रित है उनके लिए ये बात है, ऐसा नहीं है। सर्व जीव हिता, पालन मेरे जो आश्रित है उनको करना है, लेकिन जो भी पालन करता है उनको भी हितकारी है और जिसके लिए पालन किया जाता है उनके लिए भी हितकारी है।
अभी समझ लीजिए कि मैं बहुत छोटे स्तर पे नहीं जाता हूँ, हमारे यहाँ अस्पताल चलता है तो जीरो कॉस्ट से चलता है। आना, निदान कराना, एक्सरे वगैरह करना, लेब करना, ऑपरेट करना, प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक दवाई पाना, दर्दी के साथ जो आया है उसको खाना पीना, सब कुछ फ्री में। आपको सिर्फ अपने कपड़े लेकर के आना है और दो दिन चार दिन जैसी जरूरियात सरवार करा करके वापस जाना है। एक भी रुपया की जरूरत वड़ताल संस्थान के अस्पताल में नहीं है। खंभात में जबरेश्वर आय अस्पताल है तो वहाँ टोकनदर में आय की सर्जरी वगैरह होता है, कोई जरूरत नहीं कि कोई बड़ा शहर से भी लोग वहाँ आते, देहात के लोग भी जाते। जलगांव महाराष्ट्र में है, वहाँ पे आय अस्पताल है, सूरत में अस्पताल है, राजकोट में अस्पताल है, SGVP होलिस्टिक अस्पताल है। करीबन 4000 से ज़्यादा कोरोना पेशेंट को उन्होंने रिकवर किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि शिक्षा पत्रिका बेज इतना मजबूताई से बना हुआ है कि आज यहाँ संस्था में और सिस्टर संस्था में इसका पालन हो रहा है और अधिकतर लोग ऐसे है जिसका लाभ आउट ऑफ सेक्ट प्राप्त करना। ऐसा नहीं है कि स्वामीनारायण संप्रदाय का नहीं है ये तो ही यहाँ आएगा। ऐसा नहीं है कि स्वामीनारायण संप्रदाय का आश्रित नहीं है तो उसको शिक्षा पत्र लाभान्वित नहीं करेगी। जो भी आता है प्राप्त करता है, कुछ लेकर के जाता है। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। स्वामी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, जो ये प्रोजेक्ट्स है ये आसान नहीं ये करना, इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होती है, आपकी रणनीति क्या होती है? देखिए, आपकी पता नहीं, मेरी कैपेसिटी मुझे पता है। मैं दोपहर को खाना खाता हूँ ना तो शाम तक हजम हो जाएगा, वो मेरी कैपेसिटी में। वो पचाम्य अन्नम चतुर्विधम भगवान ने बोला है कि मैं पचा पाचन कराता हूँ और उसमें से रक्त मेद मज्जा अस्था सब बनाता हूँ। अपनी कोई कैपेसिटी नहीं, अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं। जो शिक्षा पत्र में लिखा है, जो बुजुर्ग लोग अपने वडिल है, आप्तजन है, वो जो बोलते है कि ये 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 करना है, और हम लोग समाज में रहते फिर भी आदमी है, इंसान है, इंसान की बदौलत दिमाग ज्यादा चलाते हैं। तो अपने दिमाग से देख सकते हैं कि मेरे पास है वो इसके पास नहीं है तो उसको देना है। आपके पास नहीं है, मेरे पास है तो मैं आपको दूंगा। आपके पास है, मेरे पास नहीं तो आप मुझे देंगे, बस खेल खत्म। कोई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं रात को करीबन 12:30-1 बजे बड़ौदा से वापिस आ रहा था। ठीक है, मेरे साथ इसकी उम्र के बहुत युवक लोग थे। हम लोग जब नेशनल हाईवे से अंदर आए तो फुटपाथ पर कुछ लोग सो रहे थे। किसे सो रहे थे? वो सीमेंट की बोरी आती ना, खाली बोरी, वो एक पीछे से लगाई, एक आगे से लगाई, बीच में एक उठे, इसे ठुठुड़ी हुए सो रहे है ना। हम लोग उस दिन उतनी ठंड थी, गाड़ी में बैठे थे, ग्लास पे यदि हाथ लग जाए ना तो भी ठंडा लगता था, उतना ठंड था। सब लोग गाड़ी में कांच बंद करके, स्वेटर लगा करके, ऊपर सोल लगा करके बैठे थे। जी। गाड़ी रोका, 5-6 आदमी थे, सबका सोल लिया, उनको उठाया। उनको बहुत अच्छा लगा, उनको हाथ जोड़ने लगा, ये लगा। लोग वापस आ गए, सारा पूरी रात नींद नहीं आई। इधर उधर घूम करके जो पुराने कंबल थे इकट्ठे किए, उसी दिन रात को 12 बजे फिर निकल गए और बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, फुटपाथ है, घूमे, उनको उड़ाया, अच्छा लगा। और 200-300 था करीबन, पिछले साल हम लोगों ने 10,000 कंबल बांटे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं देखता हूँ कि मेरे पास है, इनके पास नहीं है, उनको देना, और कुछ नहीं करने का। हम लोग गर्मी के दिन में चप्पल देते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका फाउंडेशन अच्छा काम करता है आप 1,000 चप्पल ले जाओ, मेरा फाउंडेशन अच्छा काम करता है मैं 2,000 चप्पल ले आऊँ, ऐसा नहीं। हमारे पास वॉलंटियर्स की टीम है जो वड़ताल मंदिर की ईच एंड एवरी एक्टिविटीज में पार्टिसिप करती है। करेक्ट। और हम लोग एडवांस कुछ प्लानिंग बनाते हैं कि चलो इस साल कितने चप्पल बांटे जाएंगे, तो कहाँ कहाँ जाएंगे। तो पिछले साल हम लोगों ने 50,000 पेयर चप्पल बांटे। तारापुर में
हमारे सुखदेव स्वामी जी है नारगोकुलम कैंपस है, सराउंडिंग एरिया में वो जाएंगे। कोई दो चप्पल किसी को नहीं देना है, अपनी गाड़ी लेकर के जाना है। आपको 100 जोड़ी चप्पल दिया जाएगा। आपको गर्मी के वक्त बाहर निकलना है और देखना है कि जिसके पैर में चप्पल नहीं उसको पहने देना बस। बुजुर्ग है उसके लिए भी है, बच्चे है उनके लिए भी है, औरत के लिए है, बच्ची के लिए, सबके लिए एक हिसाब से आपको दिया जाता है। आपको वो दे करके ले करके उनको पहनाना है। ऐसा नहीं कि एक एक ले गया दो ले गया, जिसके पास नहीं है उसको मिलता है ना, करेक्ट। तो वही स्ट्रेटेजी, बाकी कुछ नहीं करने का, बाकी सब वो बैठे बैठे करता है। अपने को सिर्फ दिमाग भी नहीं लगाने का, हाथ लगाने का है बस। जी और काम होता जाता है। बहुत खूब। अस्पताल चलाते हैं तो कुछ नहीं करते हम लोग, कहाँ करते हैं जी। डॉक्टर साथ है, पेशेंट साथ है, करेक्ट। वो अपना दर्द बताते हैं, वो निधन कहता है, वो कुछ दवाई देता है, मंदिर वाला दुआ देता है, दवा और दुआ दोनों मिल जाते हैं, लोग हंसते हंसते चले जाते हैं। अब मैं हमारे सीए मीडिया के हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के मिस्टर मकबूल एस मोडोली वाला सर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो स्वामी जी से कुछ पूछे। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और ये संस्था से जुड़ने का हमें मौका मिला, वो भी हमारे लिए सौभाग्य है। स्वामी जी, COVID-19 में किस तरह से आपकी और आपने और आपकी संस्था ने रिस्पॉन्स किया वो हम जानना चाहते हैं। थैंक यू सर। सही तहे दिल से बताओ तो ये ऐसा वक्त था कि हम सब लोग खुद पॉजिटिव हुए। मैं भी, मेरे साथ हमारे चेयरमैन स्वामी जी, वो भी जो एक्टिविटी के सारे जुगाड़ में लगे रहे थे, श्याम स्वामी, सब। सबसे बड़ी बात ये थी कि कोविड का वक्त ऐसा था कि पिता बच्चे को नहीं, बच्चा पिता को नहीं, किसी को जानते हुए भी देखना, उसके मिलना नहीं चाहते, उतना डर पैदा, खौफ पैदा हो गया था। प्रतिदिन सुबह उठ करके शाम तक मीडिया में, पड़ोस में, जहाँ बैठो बस सिर्फ कोविड के खौफ की बात होती थी। तो जिंदा आदमी आधा उसी से मर जाता था। सब्जी खाना है ना, तो वो डरता था कि वो कहीं वहाँ कोई ऐसा आया होगा, वो सब्जी को छू के गया होगा, वो सब्जी मैं खा लूँगा तो मैं मर जाऊँगा। तो उसी वक्त उस खोप के एटमॉस्फेयर में हमारे मंदिर के करीबन 200 संत महात्मा है और 300 करीबन स्वयंसेवक की टीम खेत से सीधा सब्जी उठाने का, शाम तक सब्जी इधर आ जाता था बर्तन में, रात को सारे की सारी सब्जी जितनी दिन में आती थी उतनी रात को उसको कीट में तैयार करते थे, 5 किलो 8 किलो के बीच की कीट। सुबह नड़ियाद कलेक्टर, वन कलेक्टर, हेल्थ, गुजरात गवर्नमेंट, जो सूचनाएं मिलती थी उसके हिसाब से हम उसको बताते थे हमारे पास इतनी कीट है, तो कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400, कहीं 600, जो कंटेनमेंट जोन वो डिक्लेयर करते थे इसके हिसाब से हम उनको वेजिटेबल की किट्स देते थे, वो वहाँ जाकर के पहुँचाते थे, वो काढ़ा बांटते थे। और पहले पहले जब, बाद में तो गवर्नमेंट ने भी राशन देना शुरू किया, और गवर्नमेंट ने शुरू किया था, हम लोगों ने बंद कर दिया। हम लोगों ने गवर्नमेंट से पहले 4-5 हज़ार राशन किट्स बना करके बांटे, वो भी ऐसा कि एक गाँव में घूमे, देखा कि इस गाँव में 5 आदमी 10 आदमी है जिसको ज़रूरत है, तो उस गाँव में 5 आदमी के लिए हमारे यहाँ से गाड़ी और महात्मा लोग और साथ में स्वयं सेवक लोग पहुँचे, और जो मांगते भी नहीं थे और घर में था भी नहीं, ऐसे लोगों को भोजन दिया, सब्जी दिया। और दूसरा वेव जब आया उस वक्त तो ऑक्सीजन की सबसे बड़ी किल्लत थी, बहुत प्रॉब्लम थी। सही। तो हमारे एक उद्योगपति है पंकज भाई पटेल, वो हालोल कालोल वहाँ काम करते हैं, तो ZAC बंद हुआ और वहाँ से उन्होंने हमको बोतल, एंटी बोतल दी, बोतल मिले तो यहाँ सूर्यमणि दीप है, ऐसे कुछ लोग मिले जिन्होंने रिफिल करने का प्रॉमिस किया, हम लोगों ने अस्पताल शुरू किया। तो 50 बेड का अस्पताल कोविड केयर में लगाया, बहुत खुशी मिली, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ तो नहीं कर पाते थे लेकिन उतना ज़रूर कर पाते थे कि किसी की आह सुन करके ऐसा लगता था कि इनकी सराव हम लोग कर सकते थे,
उनको एडमिट करते थे, और एक भी बंदा यहाँ से वापस गया हुआ ऐसा नहीं, सब तंदुरुस्त होकर के घर। नाइस है, एक्टिविटी तो बहुत अच्छा है संस्था का, और मैं जब तक जानता हूँ ये संस्था बहुत पुरानी है और सेवा में ज़्यादा ध्यान देती है, उसमें सबसे अच्छी सेवा आप दे रहे हैं। सेकंड में मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा गोमती जी के बारे में, थोड़ा मुझे आध्यात्मिक में और वचन आदमूर्त में आप मोटा मोटा थोड़ा बता देंगे तो हमें खुशी होगी कि आपका मैसेज सब जगह पहुँचेगा। देखिए जहाँ तक आध्यात्मिकता की बात है तो वड़ताल मंदिर की नींव आध्यात्मिकता है जी, क्योंकि ये मंदिर है और आस्था का केंद्र है, उपासना का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर बंदा अपना मस्तक मंदिर पे लगाने के लिए आता है, कोई मन्नत लेकर के आता है, कोई श्रद्धा लेकर के आता है, कोई विश्वास लेकर के आता है, कोई ऐसा भी है कि चलो सब लोग जाते हैं तो मैं भी देख के आता हूँ, लेकिन ये बात जरूर है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। वो तो है, तो कोई नहीं, जो जाना माना पहचाना आदमी है वो आता है तो भी कुछ प्राप्त करके जाता है, बिना बस ऐसे ही घूमने के लिए आता है तो भी, जैसे समझ लीजिए कि आपको पता है कि आप गुड़ खाएंगे तो मीठा लगेगा और खाया तो मीठा लगेगा, अनजाने में आपने गुड़ खा लिया तो भी मीठा लगेगा, ये ऐसी जगह है। एक्चुअली धरती इतनी पाक है आपकी यहाँ की, और मंदिर भी इतना सालों से है, और सबसे ज्यादा हमारी जो संस्कृति है वो यहाँ पे मिलती है। मैंने जस्ट एंटर होते ही देखा वही पुराना जो हमारा गेट्स है और बाकी का जो नेचुरल है वो मैंने आज से मेरा जितना साल हो गए तब से मैं देख रहा हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा माहौल यहाँ पे है। तो थोड़ा और भी मुझे वचनामृत बता दीजिए। देखिए वचनामृत तो वो है कि भगवान स्वामी नारायण जिस समय इस धरती पे थे वो जो भी बोलते थे, हमारे संत थे मुक्तानंद जी, गोपालानंद जी, ब्रह्मानंद जी, नित्यानंद जी, शुक्लानंद जी, वो स्वयं प्रतिदिन उनकी बातों को नोट्स करते। करीब 20 साल ऐसे गुजर गए। बाद में भगवान स्वामीनारायण ने एक दिन बोला कि इसको वचनामृत ग्रंथ के रूप में बनाना है, तो रिपीटेशन भी बहुत रहे, तो जहाँ जहाँ वो उनकी बातों का लिखा हुआ जो हस्तकृत मैन्युस्क्रिप्ट था वो सब इकट्ठा किया, और चार महात्मा लोग मुक्तानंद जी, गोपालानंद जी, नित्यानंद जी और शुकानंद जी, वो चारों महात्मा ने मिलकर के करीबन 1200 जैसे मैन्युस्क्रिप्ट मिले थे, उसमें से 262 वचनामृत इकट्ठे किए, 262 और भगवान स्वामीनारायण को लिखा, वो तो बहुत हैप्पी हुए। वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के, गढ़पुर है, बड़ताल है, अहमदाबाद है, गोया है, कारियाणी है, पंचाला है, ऐसे वचनामृत 18 वचनामृत 20 वचनामृत वड़ताल मंदिर के है, वड़ताल गांव के है। वचनामृत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि समझ लीजिए कि काशी या कहीं जाकर के संस्कृत का 20-15 साल अभ्यास करने वाला स्कॉलर है, फिलोसॉफी का स्कॉलर है, वो यदि पढ़ता है तो उसको लगता है कि वाकई में कुछ है उसमें से, और गांव वाले लोग इसमें से आपको मोटा मोटा बता दीजिए। देखिए मैं बताता हूँ कि अध्यात्म जगत में मेरे समझ से सबसे बड़ी महत्व की बात होती है कि भगवान के स्वरूप में, भगवान के बारे में यकीन। भगवान स्वामीनारायण ने वड़ताल में बैठ करके एक बात कही है कि निर्विकल्प स्थिति, यानी कि योग में एक स्थिति आती है निर्विकल्पता। निर्विकल्पता का अर्थ यह होता है कि ये संसार के जो द्वंद्व है, सुख दुख राग द्वेष, वो आपको छू नहीं सकता। आप बर्फ में बैठ करके यूं तपस्या करेंगे तो आपको लोग समाधि स्थल कहेंगे और निर्विकल्प स्थिति वाले कहेंगे। भगवान स्वामीनारायण को पूछा गया कि निर्विकल्प समाधि क्या है, उन्होंने क्या बताया, बताया योग को छुआ तक नहीं। उन्होंने बोला कि ये जो पेड़ है उस किसका है, वो आम आम्रफल का पेड़ है ना, उसके नीचे बैठे बोले आम, बस अब आपको कोई मारे पीटे आपको क्रोध आएगा तो आप क्या बोलेंगे, आम आम ही रहेगा। आपको लालच लोभ लगेगा तो आम क्या बन जाएगा, इमली बन जाएगा, नहीं सही। कोई भी
दोषों से ग्रस्त होने के बाद भी आपका आम के बारे में नॉलेज है, वो आम ही है, आम का ही पेड़ है, उसी प्रकार आपको भगवान के स्वरूप में प्रतीति होती है कि ये भगवान है। वो बाद में आपको गुस्सा आए, कोई भी सिचुएशन में आप चले जाओ, आपको भगवान के बारे में आपका यकीन बिल्कुल तनिक भी कम नहीं होता है, ऐसी आपकी भगवान के बारे में जो स्थिति है, कोई भी विकल्प भगवान के बारे में आपके दिमाग में नहीं आता है, तो आप निरुत्तर पर समाधिस्थ है। ऐसा समाज में जो एक भ्रांति थी कि योग साधना करने वाला ही निरुकल्प समाधि स्थिति को प्राप्त कर सकता है, भगवान स्वामीनारायण ने कहा वैसा नहीं है, आपको भगवान में दृढ़ प्रतीति है, आप निरुकल्प स्थितिवान है। अच्छा सर, एक और बात थी कि आप अगले साल में जिस हिसाब से आपने कोविड में इतना अच्छा किया, वो आपने और भी बहुत सारे नॉलेज हमें दिया, तो उस हिसाब से अभी आपका स्टेप क्या होगा अगले साल में, ऐसी कोई स्थिति आ गई तो? मैं सबसे पहले भगवान स्वामीनारायण हरिकृष्ण महाराज लक्ष्मण जी कष्टभंजन हनुमान जी दादा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मानव जात आपके चरणों में है, इसको और इम्तिहान न हो और आपत्ति न आए, लेकिन आती है तो हमारे बस की बात नहीं है, जितना बस होगा उतना प्रयास करेंगे, सब साथ मिलकर करेंगे, आप लोग भी बहुत काम करते हैं, साथ मिलकर के ऐसा काम करेंगे कि हमको ऐसा खुशी होगी कि हम हमारा जीवन किसी के लिए काम काम है। थैंक यू। अच्छा स्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जितनी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर होती है, चाहे धार्मिक हो सामाजिक हो, उसके साथ साथ वो सब जो एक्टिविटीज है इसमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे ही कोई नहीं कर पाएगा, जैसे कि एक छोटी सी एज में आप एक बड़े पोस्ट पे है, तो आपका कोई विजन होगा, तो विजन के बारे में हमें बताइए कि आपका विजन क्या है, आने वाले 5 साल में या 10 साल में आपकी संस्था कहाँ पर आप देख रहे हैं? देखिए, गांधी जी का विजन था देश आजाद हो जी, आजाद हो गया जी, तो हमारा विजन क्या होगा? उन्नति, बस आजादी का आनंद उठाना और उठा रहे, सारा का सारा विजन है ना, मैंने पहले बताया जी, पूरा पूरा विजन, मानव जीवन का विजन भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षा पत्र में दे दिया। ओके, हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला यही करना है कि अपने आप को तृप्त करो, आप अपने से संतुष्ट नहीं है तो आप दूसरों को संतुष्ट नहीं। करेक्ट, ठीक है जी, मैं भूखा हूं तो मैं आपको कैसे खिलाऊंगा, और खिलाऊंगा तो भी दिल से नहीं खिलाऊंगा, तो ये मेरा व्यक्तिगत विजन ये है कि मेरी अतृप्ति तनिक भी नहीं रहनी चाहिए जी। और मेरी तृप्ति कहाँ है, भगवान के चरण। करना क्या है, उन्होंने कहा है कि अस्पताल होना चाहिए, अस्पताल चालू, उन्होंने कहा है कि सद्विद्यामान एजुकेशन की एक्टिविटी होना चाहिए, तो अभी अभी पिछली 19 तारीख को विद्यानगर में, ओला विद्यानगर में जी, जी। 1000 स्टूडेंट्स कॉलेज वाले उसको आवास और भोजन की व्यवस्था के भाग रूप में नया हॉस्टल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं 1000 छात्र के लिए। वेरी गुड, अस्पताल चलता है तो वो भी 1 सितंबर को एमपी में भंवरिया कुछ धार डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल का दूसरी ब्रांच शुरू करने जा रहे हैं। करेक्ट, अफ्रीका नैरोबी कैपिटल टाउन है, वहाँ अभी एक नया मंदिर अंडर वर्ताल बनाने जा रहे हैं जी, ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर डेवलप हुआ है, लंदन में करने जा रहे हैं, ओवरसीज और इंडिया में काम वो करना है जिससे सबसे पहले आत्मा को संतोष मिले जी, कि चलो हमने अपने संप्रदाय के लिए कुछ किया। ऐसा नहीं है कि आप हमको सहयोग करो, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको जितना हो सके उतना सहयोग करूँ, क्योंकि मेरे जीवन की सार्थकता उसी में है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इस मंदिर के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इस संस्था इस संप्रदाय के लिए क्या कर सकता हूँ, इस समाज के लिए, इस बच्चों के लिए, कॉलेज के लिए, हेल्थ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उतना करना है, उतना ही सोचना है, उतना करते हैं ना खुशी मिलती है, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं, इतना करना है, इतना हुआ, इतना नहीं हुआ, क्या हुआ, क्या करे, कैसे करे,
भगदड़ मच जाए वो नहीं है, किया है कहाँ है हो। और संस्था के डेवलपमेंट के बारे में बोले तो बड़ा भोजनालय है, 10,000 इंसान एक साथ बैठ करके भोजन प्राप्त कर सकते हैं, 1,000 कमरा है गेस्ट हाउस, तो 5,000 लोग वैसे ही एक रात रुक सकते हैं, ठीक है, इतना बड़ा है। भगवान स्वामीनारायण जिस समय इस पृथ्वी पर थे तो उनके वस्त्र है, उनके अलंकार है, उनके नख है, उनके केश है, उनके अस्त्र प्रत है, ठीक है, सारे की सारी चीजें हजारों की तादाद में बड़ताल मंदिर में है, तो उसको म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो कोविड नहीं आता तो वो शुरू हो गया होता, कि देखते हैं 4-6 महीने में हो सकता है वो नया काम शुरू हो गया, वो ऐसा बनेगा कि देश और दुनिया से लोग देखने आएंगे कि 200 साल पहले लोग भगवान स्वामीनारायण में कितना यकीन रखते हो गए कि उनके नाखून तक काट के ले लिए, उनके जो बाल है वो सब 1-2-3 नहीं कई ढेर सारे बाल यहाँ, वो गन्ना खाते हैं ना जी, जी। शुगर केन, हाँ शुगर केन, तो उनके जो निकलते छिलके वो यहाँ रहे, तो कितना यकीन होगा उन लोगों को, ऐसा कहीं होता नहीं है, देखा नहीं मैंने, बहुत पढ़ता हूँ, बहुत बहुत पढ़ाई की, बायोग्राफी बहुत पढ़ी, किसी के बारे में इतना नहीं कि जितना यहाँ है, एक जगह पे सिर्फ वड़ताल में है ना, उतना किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जिंदगी का आप इकट्ठा कर लो राजा महाराजे से लेकर के आज तक, उतना नहीं मिलेगा जितना भगवान स्वामीनारायण का, और वो इतना ऐसा डिवाइन है कि वहाँ बैठते हैं ऐसा लगता है कि कुछ है, ऊर्जा प्राप्त होती है। एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, पहले तो मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ आपको पर्सनली एंड आपकी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को, कि एक म्यूजियम के तौर पर आप नए चीज का निर्माण करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि शिक्षा पत्री कोड ऑफ कंडक्ट को आप फॉलो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि एक व्यक्तिगत तौर पर इंसान के कुछ पर्सनल प्रिंसिपल्स होते हैं, आदर्श होते हैं, तो अपने कुछ आदर्श बताइए जिसकी वजह से आज एक छोटी सी एज में आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि आपको जो बुरा लगे ना वो मेरे साथ नहीं करना, मुझे जो बुरा लगे मैं और के साथ नहीं। आप समझ सकते हो कोई बंदा ऐसा नहीं होता है कि अपने को बुरा लगे ऐसा दूसरों के साथ नहीं करता जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, मैं तो किस सबके साथ करता हूँ वो नहीं, मुझे जो नहीं जचता है सामने वाले के साथ वो नहीं करना, एथिक्स के बाहर कभी जाने का नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी एथिक्स है, जहाँ एथिक्स है वो आदमी जहाँ भी रहता है चैन से रहता है, वो समाज जहाँ भी रहता है चैन से रहता है, वो समाज वर्ग कहीं भी है वो चैन की दुनिया अमन की जिंदगी जी सकता है, एथिक्स चाहिए, एथिक्स चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन दो आप अपने समाज को अपने गांव को अपने राज्य को अपने देश को दे सकते हो, तो समझो कि आप स्वतंत्रता प्रदान करने के समान उसके लिए आदरणीय बन पाओ, हेल्थ और एजुकेशन दो देने का, एथिक्स अपना रखने का, और अपने को नहीं जचता वो दूसरे के साथ करने का। मैं रिक्वेस्ट फिर से करना चाहता हूँ मिस्टर मकबूल एस माडोली वाला सर को कि वो प्रोसीड करे। मैं थोड़ा गुजराती में बोलना चाहूँगा। आ संस्था एटली सारी संस्था है जेमा भूख्या ने अन्न मळे छे, एनी साथे प्रार्थना भी मळे छे, दुआ पण मळे छे, एवी संस्था जे वड़ताल धाम छे एनो अमे दिलथी अने ग्रेटफुली फूलफिल अमे एनो आभार मानीए छे, अने अमने घणो करो आनंद छे सीआईए मीडिया ने टाइम आप्यो एनो अमे दिलथी स्वागत करीए छे। थैंक यू। राइट, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि कुछ साल पहले यहाँ पर
मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये हॉस्पिटल में किसी भी धर्म को भेदभाव न करे हुए आप लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। देखिए, भगवान स्वामीनारायण ने दो बातें बताई है कि जब कोई आपके सामने बुभुक्षु हो, यानी कि भूखा बैठा है, अच्छा, तो वो पवित्र पाक है नापाक है देखना पाप है जी। भूखे कोई भी है, किसी भी जाति ज्ञाति धर्म संप्रदाय कहीं से भी आता है, बुभुक्षु है भूखा है उसको खिलाना है, पुण्य है जी। उसी प्रकार जब आदमी बीमार होता है जी, रोगी बोलते हैं, तो उनकी सेवा करना यावत जीवन च शुश्रूषा, यावत जीवन जब तक उसमें जीव है, या अपने शरीर में जब तक जीव है प्राण है तब तक दर्दी की सेवा करना चाहिए, वो शिक्षा पत्र का आदेश। उसमें ये नहीं बताया गया कि अपने संप्रदाय के अनुयायी है ऐसे जो रोगी है उसकी सेवा करना है, और अपनी जाति धर्म के लोग है उसकी सेवा करना उन्हें बताया। जो भी आता है दर्दी है, हमारे यहाँ एक शब्द बार बार प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं दरिद्र नारायण जी। दरिद्र नारायण, दरिद्र, दर्दी नारायण और दरिद्र नारायण, जो गरीब है वो नारायण का स्वरूप यानी कि भगवान का स्वरूप, जो दर्दी है वो भगवान का स्वरूप। भगवान स्वामीनारायण एक वक्त सर मैं आपको बता गुजराती में बताऊँ तो मैं कही भगवान स्वामीनारायण गढ़पुर बाजू थी वड़ताल था, अन्य साथे संतो हता, संतो हता एमांथी 8-10 संतो ने जाड़ा उल्टी थी, जाड़ा उल्टी थी गया, आटला बीमार पड़ा, आटला बीमार पड़ा तो चाली नहीं सके, અને અહીંયા ફંક્શન હતું, ઉત્સવ હતો, સમય હતો, એટલે આવવાનું પહોંચવાનું જરૂર હતું, એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ નક્કી કર્યું કે આપણે પહોંચવું છે, પેલાને સાથે લવાય એમ હતું ને, એટલે કહ્યું કે આ લોકોની સેવામાં કોણ દેશે, બીમાર પડ્યા છે એની સેવામાં કોણ દેશે, કોઈ તૈયાર નથી, ત્યારે ગુણાતીતાનું સ્વામીકરણ સંત હતા એમની સાથે, એ તૈયાર થયા, 12 સંતો હતા બીમાર, તો 12-12ની સેવા એણે કરી, ડાયરિયા થઈ ગયા, લોહીખંડ પેટ બેસવું કહેવાય એવું, તેણે સેવા કરી અને સારું થયું। ભગવાન સ્વામિનારાયણ કેટલા પ્રસન્ન થયા એમના ઉપર, અહીંયા જે હતા એ જયારે સ્વામી આવતા હતા ત્યારે એને દેખાતું હતું ભગવાન સ્વામિનારાયણ બેઠા છે, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ને ત્યાં હતા અને બધા જ દર્શન થતા હતા કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગોમતીમાં નાહવા ગયા, આમલે જ્ઞાનબાગ ઝૂલવા ગયા, જમવા ગયા, આ વાત કરી, આ વાત કરી, આ વાત કરી, ઉત્સવ પૂરો થઈ ગયો, સ્વામિનારાયણ ભગવાન પાછા ગયા। કોઈ લોકો વાત કરે કે સ્વામી ભગવાને તો આવું કર્યું, સ્વામી ભગવાને તો આવું કર્યું, તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી શું કરે ખબર, એમાં બાકી રહી ગયું ને એને કે ત્યારે પેલા કે તમને ખબર કેમ પડી, તો કે મને ભગવાનની એટલી કૃપા પ્રાપ્ત થઈ કે ત્યાં મહારાજ જે કરતા હતા એ હું અહીં બેઠો બેઠો છું, અંતરાત્મા છે, એના અંતરથી જ એને સેવા કરી, એનાથી ભગવાન એટલા ખુશ થયા, રોગી અને સંત, સંત અને રોગીની સેવા બહુ ખુશ થયા, એટલે રોગીની સેવા કરવાનો મહિમા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં બહુ જ છે। ભગવાન સ્વામિનારાયણ વન વિચરણમાં એક પંડિત મળી ગયેલો, 1.5 મહિનો એની સેવા કરી, પોતે ભિક્ષા માગીને ખાય અને એને લાવીને ખવડાવે પીવડાવે, લોખંડ પેટ બેસનો સેવકરામ નામનો સાધુ હતો સાઉથમાં, સેતુબંધ રામેશ્વરથી આગળ નીકળ્યા અને એ મળ્યો, બીમાર હતો તેની સેવા કરી, સાજો થયો, કમ્પ્લેટ થયો, એની પાસે પોતાની પાસે રૂમાલ નહોતો ભાર નામનો, અને એનો 1.5 મણનો ભાર માથે લઈને ફર્યા, એટલી સેવા એણે કરી એમ કમ્પ્લેટ। એટલે રોગીની સેવા કરવાનો મહિમા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં બેઝિક છે, એટલે સ્વાભાવિક એવું થાય કે સેવા કાર્યો મૂળ વસ્તુ કેવી ખબર જી જી, અમે નોકરી કરતા જી, તમે સેવા કરો છો પણ તમે જાતે કામ બી કરી લો, બરાબર, અમે તો નથી બિઝનેસ કરતા, નથી નોકરી કરતા, જે હરિભક્તો અમારા છે ડેડિકેટેડ, શિક્ષાપત્રીમાં દશાંશ વિશાંશ ધર્માદો જકાત આપવાનું લખ્યું છે, એ જેટલું આપે છે એ લોકોનું કમાયેલું છે, બરાબર, તો એને આપ્યું છે સમાજમાંથી આવે છે, તો સમાજને પાછું આપવામાં આપણને એ બી ના હોવું જોઈએ, એ બી ના થવું જોઈએ કે અમે બહુ સારું કરીએ છીએ, કારણ કે આપણે કમાણા નથી, આપણે નોકરી કરી નથી, બિચારા જે પોતે કમાઈને પરસેવો પાડીને આપે છે, ચૂપચાપ ગુપ્ત દાન કરે છે, પરચા પડાવીને જતા રહે છે, પછી આપણે આમ જોર કરવાની જરૂર છે? એક ચીજ આપને બતાવી કે વિદ્યાનગર મેં જો એજ્યુકેશન હબ હૈ વહાં પર અરાઉન્ડ 1000 સ્ટુડન્ટ્સ કા જો આપ ફૂડ કી सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन को लेके आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन को लेके और क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? देखिए, स्वामीनारायण संप्रदाय
स्पेशली वड़ताल मंदिर है वो अभी वो करने जा रहे हैं जी। और अभी वड़ताल मंदिर से हटकर के मतलब डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी। उसके अंडर में नहीं, पर्सनल इंस्टीट्यूशन के रूप में गुरुकुल बोलते हैं जी। जो गुरुकुल है वो केजी से लेकर के कॉलेज तक के शैक्षणिक संकुल है, उसमें उनको खाना पीना पढ़ाई सारी की सारी जो गवर्नमेंट अप्रूवल कोर्सेज है, CBSE है, गुजराती है बोर्ड, IAS बोर्ड है, सब बोर्ड के स्कूल चलते हैं जी। और मेरा एक सपना है, वक्त आएगा कभी तो वन रूफ यूनिवर्सिटी, बच्चा 5 साल का होता है 5वीं कक्षा से वो अपना जो काम है खाना पीना स्नान वगैरह स्वयं से कर सके, उस एज में वो वहाँ आए और कॉलेज डॉक्टरेट होकर के वहाँ से निकले वन रूफ यूनिवर्सिटी जी। जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हमने देखा इतने सालों से हम आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, हमने देखा हर सीज़न पे, चाहे वो केरी का सीज़न हो या विंटर का सीज़न हो या स्प्रिंग का सीज़न हो, हर सीज़न में आप कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत होती है, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की या नए स्टार्टअप की, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा काम करती है जिसमें कुछ लोगों को आप एक तरह का एम्प्लॉयमेंट देते हैं या स्टार्टअप करने के लिए कुछ इंस्पिरेशन देते हैं? देखिए वो हमारा फील्ड नहीं है, राइट। हम लोग उतना कर सकते हैं, उसको उतना कैपेबल बना रहे कि वो कॉलेज में पढ़ता है तो उसको उतना कैपेबल बना दिया जाए कि वो जॉब भी कर सके, बिजनेस भी कर सके, परिवार का पालन पोषण भी कर सके, स्वयं के लिए भी, स्वयं का खर्चा भी उठाए, पूरे घर का भी खर्चा उठाए, ऐसे कैपेबल व्यक्ति का निर्माण करना हम कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशन के स्वरूप में समझ लीजिए कि वड़ताल मंदिर है अभी यहाँ 400 लोग, उसी ज़्यादा यहाँ नहीं कर सकते, अस्पताल है तो 100 लोग, लेकिन उसको एम्प्लॉयमेंट के कि एम्प्लॉय की दृष्टि से हम लोग नहीं देख सकते। ओके। क्यों? अस्पताल में जो भी काम करते हैं हम फ्री चलाते हैं, लेकिन सारे पूरे स्टाफ को पगार पूरा मिलता है, करेक्ट, लेकिन वो एक लिमिटेशन है। जैसे गवर्नमेंट कर सकती है, बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर है वो लोग कर सकते हैं, उतना हम लोग नहीं कर सकते, करेक्ट। लेकिन हम उतना जरूर कर सकते हैं कि कोई बंदा गुरुकुल से एक बार बाहर निकल जाए तो किसी के यहाँ यूं खड़ा ना रहे, और उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग चाहे तो। देख लीजिए अपना जो देश है ना, अपना देश जी, जी, जी। वो सामान्य नहीं है। okay. इतनी सी जमीन जिसके पास है ना वो 4-4, 5-5, 10-10 पीढ़ी उसने निकाल दी, कैसे निकाली? हमारी उम्मीदें बढ़ गई है, धरती ने हमको कुछ कम नहीं दिया। आप हिमालय पे चले जाइए तो वहाँ रहने वाला इंसान भी बड़ी मौज मस्ती से जीता है। आप कन्याकुमारी सागर के किनारे चले जाइए, वहाँ रहने वाला एक छोटा सा लंगोट लगाए हुआ व्यक्ति भी बहुत हम लोगों से भी ज़्यादा अच्छी जिंदगी जीता है। एम्प्लॉयमेंट का जो प्रश्न है वो आपका योग्य है, लेकिन वो मैं और आप सोच करके क्या कर सकते हैं? कुछ आइडियाज दे सकते हैं, कुछ सेमिनार कर सकते हैं, लेकिन यदि बेसिक जो हमारा है, जो इंडियन लाइफस्टाइल है, उसको हम स्प्रेड करेंगे, ठीक है ना जी, तो वो किसी बात की जरूरत ही नहीं रहेगी। करेक्ट। एक एक गांव है, एक गांव में 10 आदमी नाई है तो उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसको खेती करने की जरूरत नहीं है। क्यों? खेती करने वाले के यहाँ वो नाई का काम करता है, खेत वाला उसको अनाज देता है, ठीक है ना। वो सब्जी बेचने वाला है तो सब्जी बेचने वाला आज है, आज सबको सब्जी खरीदनी पड़ती है। पहले ऐसा था कि गांव में जिसकी खेत में सब्जी है तो आसपास के लोग सब्जी खाते हैं, और जिसके यहाँ सब्जी नहीं है तो वो अपने आजू बाजू में बांटता था, आसपास में बांटता जी। आज हम दूध छाछ बांटते, पहले वो बांटते नहीं थे, आदान प्रदान करते थे, विनिमय करते थे, आपके यहाँ नहीं है
मेरे यहाँ से ले जाते थे, आपके यहाँ होता था तो मैं ले जाता था जी। तो अपना जो जीवन है ना, वो एक गांव अपने से पूरा गांव अपना पूरी की पूरी व्यवस्था करता था। कपड़ा की सिलाई कभी कोई गांव नहीं देता था जी। वो पूरा साल कपड़ा सिलता रहता था और वक्त आने पे उसकी जो जो जरूरत आई वो गांव उसको पूरी करता था जी। आज क्या है, सबके पास सबकी जरूरत है तो किसी के बस की बात नहीं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है। लाइफ स्टाइल हमारी जो ओरिजिनल है जी। वो यदि आ जाए तो गवर्नमेंट सैल्यूट करेगी। हमसे कम समृद्ध लोग में हमारे से ज्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स है जी। इसकी वजह क्या है, ये जो हम संसाधन देख रहे हैं ना, वो हमारी तरक्की नहीं है। तरक्की वो है कि शाम होते होते नींद आने लगे, ट्रैंक्विलाइजर की जरूरत ना पड़े, सुबह उठते उठते भूख लग जाए, वो कैप्सूल खाने के बाद भूख लगे, भूख लगने के बाद खाना खाए, खाना खाने के बाद वो पाचन की गोली खाना, वो जीवन नहीं है मेरी समझ से। वो मशीन है, वो मशीन से बाहर निकालो इंसान को, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो हम लोगों को वो काम करना है, एम्प्लॉय नहीं बनाना है। जो मशीन बन गया इंसान, उसको इंसान बनाना है। वो बना देंगे तो अपने आप सारा का सारा मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, माइंड करेक्ट करना है, उसके दिमाग में जो ये चक्का चौंध लगी हुई ना उसको हटा करके पुरानी बात बताना है। आज हम ऐसे में बैठे फिर भी हमको तो पसीना होता है, वो लोग पैर के नीचे सोते थे फिर भी उसको नींद हमारे से ज्यादा अच्छी आती थी, क्या बताऊं। पसीना शरीर से आना चाहिए, आना चाहिए, आना ही चाहिए, हम लोग नहीं चाहते। पहले पंखा लगा लिया, वो कम पड़ा एसी लगा लिया, बाहर निकले गर्मी लगी तो गाड़ी एसी में, गाड़ी में एसी लगा लिया, ऑफिस में एसी लगा लिया, घर में एसी लगा लिया, वो डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने बोला अब नहीं चलेगा, पसीना तो बहाना पड़ेगा, क्या करे, जिम में चले जा। वो पैसा देखने के बाद पसीना बहाना है, उससे अच्छा है कि हमारी लाइफ स्टाइल ये थी। पैदल चल के हर दिन बंदा मंदिर जाता था, वहां जाकर के दंड करता था, प्रदक्षिणा करता था और वापिस घर पे आता था, ठीक है ना। वो घी खाता था, मक्खन खाता था, फिर भी उसको हार्ट अटैक नहीं आता था, क्योंकि दो बार पसीने से नहाता था। हम लोग पसीना को दूर कर दिए, हमारी लाइफ स्टाइल से वो निकाल दिया, टाई कोट लगा लिया, क्या हुआ। तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ ठंड बहुत पड़ता है, टाई कोट लगाना पड़ेगा, जहाँ जरूरत नहीं वहां क्या करे। वो ड्रेस कोड बना दिया, वो ड्रेस कोड। वो मेरे कहने का मतलब ये कि हमारी हिंदुस्तान की ओरिजिनल लाइफ स्टाइल जी, उनसे हम जितने दूर जा रहे हैं ना उतना वापिस आना पड़ेगा, और वहां से जो शुरुआत होगी ना वो आनंद की होगी। वही असल में आज हम 200 साल के बाद कहते हैं कि हमको तरक्की चाहिए, 100 साल के बाद कह रहे तरक्की चाहिए। मैं ये पूछता तो अंग्रेज लोग यहाँ आए क्यों, आक्रांता मुस्लिम लोग यहाँ आए क्यों, कुछ था ही नहीं, आज भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो लोग क्यों आए थे यहाँ। बिल्कुल नहीं, जब हम लोग जो हमको पढ़ाया जाता है कि कुछ नहीं था भारत में, भारत सोने की चिड़िया था, उसका मतलब ये नहीं कि चिड़िया सोने की थी, उसका मतलब ये था सोने की चिड़िया जिसके घर पे हो वो जिस आनंद प्रमोद के साथ जिंदगी व्यतीत करता था, देश का नागरिक उसी आनंद प्रमोद के साथ जीवन यापन करता था। तो रामराज की बात करते थे, रामराज में सीता जी भी दुखी थी, उसका मतलब ये नहीं था, लेकिन मतलब ये होना चाहिए कि जो राजा है, राजा जी, उसकी पत्नी भी कहीं क्षति में आती है तो राजा उतना न्यायप्रिय था कि वो अपना दुख नहीं देखता था, समाज का दुख देखता, इसीलिए रामराज बुरा जाता है। दूसरों के दुख में जिसकी दृष्टि पहुंचती वही श्रेष्ठ राजा है, वही श्रेष्ठ राज्य है, वही श्रेष्ठ प्रजा है। हमारा जीवन ऐसा हो तो हमको किसी की ओर जाने की जरूरत नहीं। पहले ये आज आप यहाँ बात कर रहे, हजार लोग कल देखेंगे, हजारों लोग देखेंगे, पहले इतनी तरक्की नहीं थी, इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, फिर भी दूसरों एक दूसरों के विचार में तालमेल बहुत था। आज वो नहीं है, आप डिबेट देखते होंगे जी, जी, जी। अब 17 साल पहले की डिबेट देख लीजिए जी, आज की तंदुरुस्ती है कि उस वक्त की तंदुरुस्ती, प्रश्न है जी। तो सिर्फ एजुकेशन नहीं चाहिए, कल्चर भी चाहिए, ह्यूमैनिटी चाहिए, वो अंतर से उत्पन्न होती है। और
डीएनए में आती है। करेक्ट। वो जितने स्ट्रेंथ वाली बनती है, आज नहीं तो कल वो करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। जहां से हमने खोया है वहीं से मिलेगा, ये आपका पेन है ना। अब यहाँ छोड़ के चले जाओगे और आनंद में जाकर के ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, तो वापस यहाँ आना पड़ेगा। मेरा एक पेन यहाँ छूट गया था, करेक्ट। हम लोगों के पास आनंद प्रमोद के सब साधन प्रसाधन संसाधन थे, इसीलिए कोई साधन न होते हुए भी विदेशी लोग यहाँ आते थे। वो कहाँ खो गया, वो हमको ढूंढना है और वो प्राप्त कर लेना, बस बात खत्म। और तरक्की की जरूरत नहीं है। कोविड 19 के बारे में जैसे सर ने बात की, आपने उसका आंसर किया, मैं वापस अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ कि एजुकेशन के बारे में आपने बताया या फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने थोड़ा बताया कि जो यहाँ पर एज डिवोटी आते हैं या जनरल जो आपके वॉलंटियर्स का ग्रुप है, जाहिर सी बात है उनके लिए आप कोई काउंसलिंग का प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वॉलंटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते होंगे, तो वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ इतना कहा जाता है कि सेवा छे, सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, काले मंदिर में सेवा छे, इतना मैसेज छोड़ दिया जाता है। तो जिसके जिसके पास समय की सानुकूलता होती वो लोग आ जाते। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो कंपलसरी रहते हैं, अच्छा, लीडर, टीम लीडर जी, वो कंपलसरी रहते हैं, लेकिन मेंबर्स कोई भी आता जिसकी सानुकूलता है वो आते हैं और सेवा देते हैं फ्री से, वॉलंटियर, किसी के कोई यहाँ तनख्वाह नहीं लेता, जो स्वयंसेवक के रूप में आते हैं कोई कभी तनख्वाह नहीं। लेकिन जो श्रद्धा उनकी होती है, जो ब्लेसिंग्स फिर उनको मिलती है, वो सैलरी से बढ़कर होती है, सैलरी से बढ़कर होती है। और कई लोग ऐसा भी महसूस करते हैं कि फ्री है, काम किया, महीना, दो महीना, तीन महीना वो काम पे लग जाते हैं। ओके। और क्या आपने कभी सोचा है कि कोरोना की सेवा से परिवार का संबंध बन जाता है? जी, वो सब्जी की जब सेवा चल रही थी ना, तो हर दिन हम लोग कभी ऐसा नहीं करते कि हम सब्जी बांट रहे जी। मीडिया वाले आए, हम लोगों को पूछा, उन्होंने साफ साफ बताया कि सब्जी गांव वालों के, आसपास के गांव के लोगों के, किसानों के, वो लोग हमको देते, हम लोग यहाँ तैयार करके आपको पहुँचाते। तो वो मीडिया वालों ने जब वो बात छोड़ी, तो एक अमरीका एक सिस्टर है जी, उन्होंने अपने भाई को फोन किया कि मैं तुमको इतना पैसा देती हूँ, तुम सब्जी लो और मंदिर पे दिया। करीबन 12-15 साल बाद एक बहन का अपने भाई पर फोन आता है। तो भाई इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, वो बोला, स्वामी जी सब काम हो गया। मैंने कहा, सब काम कहाँ हुआ, अभी तो सब बाकी है, अभी तो आधा भरा आधा बांटा रखा। अरे ऐसा नहीं, कई सालों के बाद मेरी बहन मुझसे कॉल करती है और बोलती है कि सब्जी दियो। तो मैंने कहा, तुमने क्या बोला? मैंने बोला कि मैं देता हूँ, आपको पैसा भेजने की जरूरत नहीं, आपने फोन किया, बस हो गया। फिर भी वो उनकी बहन, उन्होंने पैसा भेजा और ज्यादा सब्जी लिया लेकर के उन्होंने। तो वो क्या है कि अब उनको मैं बोलता हूँ कि कुछ आधा घंटा दो घंटे का काम है जी। तो अपना काम छोड़ करके वहां मंदिर आ जाता है। क्यों? मंदिर के काम की वजह से मेरी बहन ने मुझे कॉल किया। बताए, समझ में आया? जी जी, मैं समझ। तो उनका परिवार का एक जो रिश्ता टूटा हुआ था, समझ लो, वो जुड़ गया, वो जुड़ गया। एक बंदा था, वो पुरानी कार खरीदता था, बेचता था, ऐसा काम करता था। कोरोना में तो सब लोग फ्री थे जी, इधर आ गया, 3-4 लाख का कर्जा था, फोन तो उठाने था, उठाने पे वो ही बोलता था, पैसा कब दोगे? उससे अच्छा है कि कोरोना चल रहा है, काम पे चले जाए। वो काम पे आ गया, एक दिन, दो दिन, 15 दिन, महीना, दो महीना, 3 महीना, 4 महीना काम किया। थोड़ा पहला फेज कम हुआ ना, तो काम पे लगा। 4 महीने का जो इकोनॉमिकल बर्डन बढ़ा था, 2 महीने में वो खत्म हो गया, जो कर्जा था वो भी खत्म हो गया, और ऊपर से मुनाफा हुआ। तो उसके दिमाग में हो गया कि मैंने मंदिर की सेवा की, मुझे फल मिल गया। आज के दिन महीने में 20 दिन वो पूरा का पूरा दिन इधर रहता है, फोन पे बिजनेस कर लेता है, फिर भी फुल टाइम वर्क से ज्यादा कमा लेता है। अब हमको क्या करने का? अब हमको क्या उसको देने का? उनको और क्या चाहिए?
इसलिए जो भगवान है ना वो सबको देता है, सिर्फ जिगर चाहिए, विश्वास चाहिए, दिमाग नहीं, विश्वास यकीन चाहिए, और काम करने के लिए दूसरा काम मदद करने के लिए आपका दिल तैयार है तो कभी परेशानी नहीं होती। हमारे जो वर्तमान गादीपति राकेश प्रसाद जी महाराज है वो भी यही बोलते हैं, हमारे बड़े बड़े संत हैं ज्ञान जीवन दास जी स्वामी कुंडल धाम में रहते हैं, कभी कहीं भी मीडिया के सामने नहीं आते, लेकिन वो काम ऐसा करते हैं कि एक बार उधर कोई पहुंचता है तो लगता है कि यहीं रह जाओ बस। आपको यकीन नहीं होगा 50-60 साल से ज्यादा जिसकी उम्र है ऐसे 300 से अधिक लोग वहां रहते हैं। वो एक घर में एक बुढ़ा आदमी नहीं रह सकता, खुद का बच्चा उसको उठा करके ओल्ड केयर हाउस में गरडा घर में भेज देता है, वृद्धाश्रम में भेज देता है, उनके यहाँ 300 से अधिक है। अब बताओ वो लोग क्या, वो क्या देते हैं? वो कुछ नहीं देते हैं, लेकिन वो उनका आनंद ऐसा आता है स्वयं वहाँ रहे। भक्ति भाव में पढ़ने से लीन हो जाते हैं, ये कहने की बात कम, आनंद के और अनुभूति की बात ज्यादा। संप्रदाय की जो स्ट्रेंथ है ना वो वोकेबुलरी नहीं है, फीलिंग है, एक्सपीरियंस है। मैं आपको कुछ कहूँ उससे अच्छा मैं कुछ करूँ तो ज्यादा पावरफुल बनूँ, कुछ करने से ज्यादा भी अच्छा है मैं कुछ फील करता हूँ अपने आप में, तो मेरे को आपकी जरूरत नहीं है। क्यों? आदमी जिसके लिए करता है वो मेरे पास पहले से है, तो बाद में जो करेंगे तो अनपेक्ष भाव से, निरपेक्ष भाव से, अनासक्त भाव से होगा, अनासक्त भाव से होगा तो सबकी प्रसन्नता मिलेगी। स्वामी जी घणी વાત સારી રહી, પણ એમ ખાસ વિશેષ એ વાત છે કે આ પ્રસાદી છે, એ પ્રસાદી હું વર્ષોથી જોતો આવ્યો છું, ઘણા ફ્રેન્ડ સર્કલ મને પહોંચાડે પણ છે, પણ એમાં જે મીઠાશ છે અને એની જે બનાવટ છે એના માટે કંઈ કહી શકશો? તમે કેટલા વર્ષથી ખાવ છો? તમારી વાત સાચી છે, જે પ્રેમ ભાવ થી બનાવવામાં આવે છે ને એ જેનો છે એને અમારી ભાષામાં બંટાગોળી કહેવાય, બંટાગોળી રાઈટ છે, એને મગસ એટલે કે ચણાનો લોટ ખાંડ ઘી આ એના રો મટીરિયલ છે, શેકવાની પદ્ધતિ બી આપણે જે મીઠાઈમાં હોય એવું છે, પરંતુ અમારે ત્યાં એક નિયમ છે, થાળ કહેવાય, થાળ તમે આજે થાળ લખાવો એટલે એ થાળની પરચા ફાટે પછી ભગવાનને જાય, ભગવાનને ભોગ લગાવે ધરાવે, એટલે એવી ભાવના કે ભાઈ આ અમે આ ભગવાનને અર્પણ કરીએ છીએ, ભગવાન એનો સ્વીકાર કરે છે, પછી એમાં તુલસી પાન મૂકીએ અને પ્રસાદી પાછી આવે, પછી એમાં મગસ હોય તો એ ભલે મોતૈયો હોય મોહનતા હોય જે હોય એ, આપણને એમ થાય કે આપણે ભગવાન જમ્યા છીએ, પ્રસાદ જમ્યા છે, એટલે એક તો પ્રસાદની જે ભાવના છે ને એ બહુ જ ઉત્તમ છે, આ બીજું એની જે રેસીપી છે એ રેસીપીમાં મને પર્સનલી ખબર નથી, પણ આટલું મેં તમને કહ્યું એટલું છે, રેસીપી એક જ છે પણ કંઈક અહીંયા છે, રેસીપીમાં જે પ્રેમ ભાવના છે ને એ જ બહુ મહત્વનું છે, એમાં સાથે ધર્મ જોડાય છે, એનાથી આ સૌથી સારામાં સારું ફૂડ કહેવાય, પ્રસાદ કહેવાય આપની વાત, એટલે હું સાચું માનીશ કે ઘણી જગ્યાએ અમારી પાસે સ્પેશિયલ ડિમાન્ડ આવે છે કે મગસને મરચાં મોકલો, એ મગસને મરચાં મોકલો, અમારા મરચાં છે એ બી એક વિશેષ ખાટા મરચાં, ખાટા મરચાં, હા મિર્ચ ખટ્ટી નહીં હોતી, તીખી હોતી, બરતાલ મેં ખટ્ટી મિર્ચ મિલતી, એ પુરાણી એસા હૈ કે શિક્ષાપત્ર મેં લિખા હૈ કે એ જો હોલી પ્લેસ હૈ તીર્થસ્થાન હૈ વહાં જાકર કે પરાન્ન નહીં ખાના ચાહિએ, મતલબ કે દૂસરો કા દાન કિયા હુઆ અન્ન નહીં ખાના ચાહિએ, સ્વયં કા ખાના ચાહિએ, તો બુઝુર્ગ લોગ થે પુરાને લોગ વો ક્યા કરતે થે ઘર સે કુછ બના કરકે રોટી સબ્જી થેપલા બના કરકે લે આતે થે, ઓર યહાં મંદિર કે ઓર સે मट्ठा और मिर्च दिया जाता था, तो मिर्च और मट्ठा वो ट्रेडिशन है, वो बनाते थे उसको पुराने तरीके से, हल्दी नमक
उसको मिला करके मिक्स करके मिर्च नींबू डाल करके पकाया जाता था जो लॉन्ग प्रिजर्व रहे, लॉन्ग टर्म तक वो बिगड़े नहीं लंबे समय तक। तो आज तो इतना क्या है, वो डाइनिंग हॉल बड़ा भोजनालय हो गया, फिर भी वो मिर्च और लड्डू वाला चलता रहा, चलता और मिर्च वाला चलता रहा। नहीं, आखिर में एक्चुअली उसमें है ना आपका प्रेम भाव है और एक फेथ है, उसके हिसाब से भंडापुरी सबसे अच्छा है। बहुत बहुत कोई भी आता है, मैं कभी भी मेरे दोस्त आते हैं मैं मंगाता हूँ स्पेशल आइस और मैं देता भी हूँ। जी, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अंत में, बल्कि उसके दो पार्ट है। एक पार्ट ये है कि इतना सारा काम करने के बावजूद जो मैंने शायद आपको पहले भी पूछा होगा, क्योंकि अभी ऑन रिकॉर्ड है तो बहुत सारे लोगों को ये एक तरह का इंस्पिरेशन मिलेगा कि आपको खुद किससे इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब इतनी एनर्जी मिलती है। आपको ऐसा लगता है मेरे को बहुत एनर्जी? बिल्कुल नहीं है। एनर्जी ये बॉडी में नहीं होती है, एनर्जी जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये साइकोलॉजिकल एनर्जी होती है, माइंड इंसान को। जैसे आपने कहा उस दिन आप बड़ौदा से आए, बीच में आपने ऐसा स्टोरी बताया, फिर यहाँ आने के बाद आपको नींद नहीं आई, भले आप इतना ट्रैवल करके आए थे, आप थके नहीं थी, आप यहाँ से फिर से वापस गए जो समथिंग 250 जैसे या 300 जितने आपने रैकेट्स वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए, तो वो साइकोलॉजिकल पावर होता है। तो वो साइकोलॉजिकल पावर आप कहाँ से लाते हैं? देखिए, भगवान स्वामीनारायण ने बताया है कि मेरी बात शिक्षा पत्र का जो पालन करेगा इस लोक में और परलोक में, आलोक अन्य परलोक में सुखी कैसे, यानी कि उनकी बात को मानना है, बाकी सब उन पर छोड़ना है। ओके। आप लोग 5 बार नमाज अदा करते हैं, करेक्ट, पावर मिलता है। हमारे यहाँ उसको मानसिक पूजा बोलते हैं, 5 बार मानसिक पूजा करते पावर मिलता है। ओके। उनका स्मरण करते पावर मिलता है जी। हमारे एक संत है आदरानंद स्वामी, उन्होंने लिखा कि भगवान की स्मृति को एक क्षण के लिए करता है तो 1000 सोना मोहर की आमदनी के बराबर है। उनके स्मरण से आपको बहुत ऊर्जा मिलती है। और एक बार जब लगाव हो जाता है ना, आपको यकीन होगा कि काम करने से कोई इंसान नहीं थकता, और यदि काम करने से इंसान थकता तो नरेंद्र मोदी बूढ़ा हो गया होता। बहुत काम, वो बात भी है, बहुत काम करता है, थकता ही नहीं, उससे कई गुनी कम उम्र वाले लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी पीछे चलते चलते श्वास वीकनेस हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो कभी नहीं थकते। क्या है, एनर्जी वो ऐसी चीज है ऊपर वाला ही देता है। राइट, एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भारत हमारा देश है, इसमें जैसे कंपोजिट कल्चर रहता है, तो आपके माध्यम से आप पूरे देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश का मैसेज आपको अच्छा लगे बुरा लगे मेरे को पता नहीं, जिस बंदे को देश के प्रति लगाव नहीं है उसको कितना भी मैसेज दे दो जी, कोई मतलब नहीं। करेक्ट। और जिस किसी को भी अपनी मातृभूमि राष्ट्र के प्रति लगाव, करेक्ट, दिल से, तहे दिल से, करेक्ट, उनको मेरे जैसा छोटा इंसान क्या कह सकता है। ये तो मैं, आप देखो हमारे यहाँ पारसी लोग कितने हैं जी, बहुत कम है। बिल्कुल। तो उनको कौन सिखाता है कि तुम्हारा, तुमको देश के लिए कुछ करना चाहिए? ये जमशेद सिंह टाटा, ठीक है जी, और नौसारे मेरे गुजराती जी, बिल्कुल, इतना बड़ा इंसान बन गया, पिछली सदी का सबसे बड़ा डोनर बना। बिल्कुल। हमारे दिमाग में जो था वो नहीं था जी, और लोग थे, करेक्ट, लेकिन पूरी सेंचुरी का सबसे बड़ा डोनर वो था। टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था रिसेंटली। आया। क्यों, कैसे बना वो अपनी कम्युनिटी तो इतनी है, किसने सपोर्ट किया? करेक्ट। लेकिन उसके दिल में देश के लिए कुछ करने की तमन्ना। करेक्ट। वो मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, किसी होटल में गए, उनका जो ड्रेस कोड था वो देख करके उनको वहाँ से वापस भेज दिया गया, मैंने सुना है जी, कहीं मेरी स्मृति में गड़बड़ भी हो सकती है जी। लेकिन उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि मैं इतना बड़ा होटल बनाऊंगा कि मेरी होटल में लोग आने वाले लोग वहाँ बैठ करके रहते, उसने ताज होटल बना दिया। बिल्कुल।
करेक्ट। रतन टाटा को एक पत्रकार ने पूछा, BMW खरीदने के लिए सर आपको कितना वक्त लगेगा? तो रतन टाटा बोलता है कि मेरे को BMW खरीदने के लिए 4 से 5 साल लगेगा। वो जो प्रश्न करने वाला जो पत्रकार जर्नलिस्ट है वो दंग रह जाता है कि सर आप क्या बोल रहे हो, सर आप क्या बोल रहे हो, 4-5 साल। तो हंस करके रतन दादा क्या बोलता है, पूरी कंपनी, तुमको पता नहीं है BMW बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी है जी। आपको समझ में? हाँ, समझ आया। वो जो बंदा पूछ रहा था गाड़ी की, वो गाड़ी की बात कर रहा था, ये कंपनी की, ये कंपनी की बात कर रहा है। क्यों जी? ऊंचे थॉट्स, उसके थॉट्स सुना तो वही जो उन्होंने बोला, लेकिन अपनी ऊंचाई उतनी थी कि वो पूरी कंपनी के बारे में सोचने लगा। ग्रेट विजन, ग्रेट विजन। जिस देश के नागरिक के पास ग्रेट विजन होता है उसको कोई नहीं रोक सकता। गांधी जी के पास क्या था? चलो बहुत कुछ था, लेकिन शरीर पे पूरे कपड़े भी नहीं पहनता था वो भी, ठीक है जी। फिर भी चर्चिल कहता था कि अपने जर्नलिस्टों से हिंदुस्तान जाना तो जाना है, लेकिन गांधी से मत मिलना। क्यों? गांधी से एक बार मिलता है वो कभी वापस हमारे यहाँ नहीं आता, वो गांधी का हो जाता है। क्या उसके पास विजन है, उसके पास ताकत है, अपने विचार की ताकत, आत्मविचार, आत्मबल। और इस बल जिसके पास रहता, दो, आत्मबल, इस बल, अपने इष्ट देव में विश्वास हो और अपने में विश्वास हो, कोई उसको परास्त नहीं कर सकता। इजराइल को कोई परास्त कर सकता? नहीं। क्यों? क्या है उसके पास? जर्मन, जापान, क्यों इतने, वो क्या बोलते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उतना जल्दी वो खड़े हो जाएंगे, किसने सोचा था? जापान, किसने सोचा था? क्यों हो गए? वहाँ के एक एक नागरिक में आत्मबल है और अपने देश के लिए कुछ करने की तमन्ना है। हम लोगों को और कुछ नहीं करना है, देशभक्ति जगाना है और आत्मबल प्राप्त करना है। ये सोने की चिड़िया है, ये महसूस होने लगेगा हर इंसान। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। इसके लिए पूरी CA मीडिया की टीम आपको एक्सट्रीमली ग्रेटफुल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण।